रायपुर नगर निगम के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें देश के विभिन्न अधिकारी जिन्होंने अच्छा काम किया अपने अपने शहरों में और जो विदेशी मेहमान भी आए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हैं उन्हें आमंत्रित किया, उनके अनुभव का लाभ हम लेंगे, किस प्रकार से हमारे शहर को सुंदर बना सकते हैं, लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ के जो गंदे पानी उसको स्वच्छ किया जा सकता है, किस प्रकार से हमारे सॉलिड वेस्ट हैं उसके मैनेजमेंट किस प्रकार से हो, इसमें विस्तार से चर्चा होगी ताकि हमारे तालाब हैं, हमारे नाले हैं, हमारी नदी है वो साफ हो। और उस दिशा में रायपुर नगर निगम ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। सर, लगातार नवाचार को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का अपील भी आपने किया था कि रेल बारह लगातार है, क्या लगता है किस तरह की तब्दीलियाँ लगातार महसूस कर रहे हैं? देखिए, शासन का काम ये है, शासन योजना बनाए, कार्यक्रम ले, लेकिन जन भागीदारी भी हो, क्योंकि बिना जन भागीदारी के कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मुलाकात कर रहा है, प्रतिशोध की बात कर रहे हैं ये लोग, तो वहाँ दंतेवाड़ा में अधिकारी कर्मचारियों के दुरुपयोग करने की बात कही है, लेकिन यदि आप रिजल्ट देखें तो जो डाक मतपत्र है वो अधिकारी कर्मचारी के होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 188 वोट मिला है और कांग्रेस को 49 वोट मिला है, तो अधिकारी कर्मचारी को वोट किधर गया है वो तो स्पष्ट हो जाता है। तो आरोप लगाते हैं तो बिना तथ्य के कर रहे हैं, इनको अब किसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इनको अब कोई काम नहीं मिल रहा तो यही कर रहे हैं। रमन सिंह जी पहले मुझे कहते थे कि इनका कोई काम नहीं है, 100 कोट के तैयार हो, मीडिया से बात करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। आजकल अब रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दिल्ली में उन्हें कोई पूछता नहीं है, यहाँ उसकी जगह बची नहीं है, तो केवल ये है कि उनसे न कोई मिलता है न कोई सहयोग कर पा रहा है, बहुत दुखी दिखाई देते हैं। और इस कारण से कुछ न कुछ बात ऐसे कह दो जिसे वो मीडिया में बने रहें।